अभी हम बस यूएस में एंटर कर रहे हैं। तो गाइस लुक एट दिस, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। और ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टेट में एक क्यूट सा डॉगी है जो कार चला रहा है। वैसे वो चला नहीं रहा है जिस वहाँ पे बैठा है, लेकिन इट लुक्स लाइक कि वही कार चला रहा है। वहाँ पर फॉग भी है, थोड़ा सा सन भी आ रहा है वैली के ऊपर। वो भी हम आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करने वाले हैं तो चैनल पे जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं हमारी जर्नी की। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 3:30 और बेसिकली 4 बजे तक हम निकल जाएंगे। और सबसे पहले तो हम क्रॉस करेंगे जो कनाडा और यूएस की बॉर्डर है वो। तो हम जिस बॉर्डर से जा रहे हैं उसका नाम है रेनबो ब्रिज। तो अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, जो मेरा नायग्रा फॉल्स वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ये ब्रिज दिखाया था। तो आज बेसिकली हम उस ब्रिज से जाएंगे और हम यूएस जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और आफ्टर वी रीच यूएस, वहाँ से हमारी जो ड्राइव है वो टोटल 7 hours and 30 minutes की ड्राइविंग है। और हम क्रॉस करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 states। तो बेसिकली जो पहला स्टेट होगा उसका नाम है न्यूयॉर्क स्टेट, फिर दूसरा स्टेट होगा पेंसिल्वेनिया और थर्ड वन इज मैरीलैंड। फिर हम पहुंच जाएंगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो बेसिकली ये जो हमारी टोटल ड्राइव होने वाली है वो है 660 किलोमीटर की। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप इतनी लंबी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो यू कैनॉट यू नो जस्ट टेक लाइक अ होल लॉन्ग ड्राइव। तो हम बेसिकली थोड़े बहुत स्टॉप्स भी लेंगे वहां पर, और वहां पे जो ब्यूटीफुल सीनिक रूट्स के जो व्यूज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं, गणपति बाप्पा का नाम लेते हैं और आज की हमारी ये जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स फ्लाई विदाउट विंग्स। तो अभी हम बस यूएस में एंटर कर रहे हैं और हम यहाँ पर इस लेन में वेट कर रहे हैं। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हैं कनाडा से बाय लैंड, तो आपके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यू शुड हैव लाइक अ ट्रैवल वीज़ा फॉर यूएसए। हमारे पास एक्चुअली कैनेडियन पासपोर्ट है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इफ़ यू जस्ट हैव अ कैनेडियन पासपोर्ट यू कैन जस्ट ट्रैवल विद दैट, यू डोंट नीड अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू ट्रैवल टू यूएसए। तो इस तरह से बॉर्डर क्रॉस की जाती है। तो आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आगे कैमरा नहीं ले जा पाऊँगी, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मैं आपको यूएसए जाकर मिलती हूँ। तो गाइस लुक एट दिस, दिस आर द ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द ग्रेट वैली। इट्स अर्ली मॉर्निंग राइट नाउ, अभी टाइम हो गया है सुबह के 6 बजे एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। जो सीनिक रूट है वो पूरे स्टार्ट हो गए हैं, तो इट्स क्वाइट अ ब्यूटीफुल व्यू राइट नाउ। तो अभी आप शायद ऊपर देख सकते हैं, अभी अभी मून भी दिख रहा है और सन भी निकल गया है, लेकिन क्योंकि अभी फॉग है तो इतना ब्राइट नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सनराइज प्रॉपर हो जाएगा तो व्यूज़ और भी सुंदर लगेंगे आपको। तो ये जो पूरा रूट है, हमने ये जो रूट सिलेक्ट किया है ये पूरा ही सीनिक रूट है। तो पूरा ऐसे ही मतलब माउंटेन रीजन है, तो आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं इस वीडियो में। जब भी मैं ऐसे व्यूज़ देखती हूँ तो मुझे सच में इंडिया की बहुत याद आ जाती है, जैसे आप हिमाचल गए हो और उत्तराखंड गए हो, उस तरफ इस तरह के बहुत ही सुंदर व्यूज़ होते हैं। तो हमारे लिए तो अभी यही एक हिल स्टेशन जैसा है, और सामने वो देखिए बहुत ही सुंदर सा एक वैली आ रहा है, और ये पूरा रोड ऐसे कंट्री साइड है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो ये देखिए गाइस, सामने ही फॉग है रोड के ऊपर, आप देख सकते हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। हमारे ऐसे सीनिक रूट
एपिसोड और भी बहुत सारे आने वाले हैं। ये सबसे पहला मैंने सीनिक रूट अभी स्टार्ट हुआ और मॉर्निंग हो गई थी और सनराइज हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। ऐसे पूरे मतलब हिल्स हैं यहाँ पे, पूरे माउंटेन एरिया है, वैलीज हैं, और अब ये जो पूरा रास्ता है बहुत ही सीनिक रूट है। हमने अभी रास्ते में देखा कि बहुत सारे फॉग भी दिख रहे थे रास्ते में। मैं आपके लिए वो भी कैप्चर करूंगी और आपके साथ उसका व्यू पूरा शेयर करूंगी। तो आई होप कि आप ये वीडियो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। आगे और भी बहुत सारे सीनिक रूट आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और कनेक्टेड रहिएगा। आगे और भी बहुत ही फन होने वाला है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको आगे जाकर। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे फॉग बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ ये व्यू देखने के लिए। सच अ ब्यूटीफुल व्यू। स्काई है वो भी हल्का हल्का पिंक हो गया है क्योंकि सन निकल आया है, और थोड़ा सा फॉगी है अभी वेदर, लेकिन काफी सुंदर नजारा है ये। तो अभी हम जिस एरिया में क्रॉस हो रहे हैं इसका नाम है ग्रेट वैली, और ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टेट में। तो आई होप ये एंजॉय कर रहे हैं आप, और अभी मून भी है ऊपर और सन भी निकल आया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। सो गाइस, नाउ वी हैव क्रॉस द फर्स्ट स्टेट विच इज द न्यूयॉर्क स्टेट एंड वी आर एंटरिंग द पेंसिल्वेनिया स्टेट। तो आप देख सकते हैं अभी सामने का नजारा, ब्यूटीफुल वैलीज दिख रहे हैं, सन निकल आया है और बहुत ही सुंदर नजारा है ये। हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम यहाँ पे स्टॉप लिया है और हम यहाँ पर है अभी पेंसिल्वेनिया में ही है, और अभी सुबह के 8 बजे हैं। वी टुक अ स्टॉप फॉर गेटिंग अ कॉफी एंड वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे बहुत ही सुंदर वैली है, बड़े बड़े ऐसे ट्रीज हैं, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। और ये जो है ये मेरे पीछे यहाँ पर, बेसिकली ये कन्वीनियंस स्टोर। तो यहाँ पर कैनेडा में और यूएसए में इस तरह के कन्वीनियंस स्टोर होते हैं जहाँ पर सारा कन्वीनियंस का सामान मिल जाता है आपको। तो हमने यहाँ से कॉफ़ी बाय की थी, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गैस स्टेशन है, तो यहाँ पर आप पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। ये भी कैनेडा की तरह सेम ही है, और हमने गैस रेट भी यहाँ पर चेक किया, ये भी कैनेडा जैसा ही है, मतलब सेम रेट है। तो दिस इज इट। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप लिया है, लाइक ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए हैं। अभी बस थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, अभी निकलेंगे अभी वापस और मिलते हैं अगली जगह पे। गाइस ये देखिए सामने एक क्यूट सा डॉगी है जो कार चला रहा है। वैसे वो चला नहीं रहा है, जस्ट वहाँ पे बैठा है, लेकिन इट लुक्स लाइक कि वही कार चला रहा है। सो क्यूट। अभी हम यहाँ पर गैस फिल करवा रहे हैं, तो पेट्रोल को यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में गैस कहते हैं। तो ये मशीन कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पे हमें पेमेंट करना होता है, फिर पेमेंट करने के बाद खुद ही गैस फिल करना होता है। तो इंडिया में जैसे यू नो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो गैस फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोंटू खुद गैस फिल कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो इनका भी खर्चा बच जाता है और इनकी इनकम तो हो ही जाती है, साथ साथ में काम भी हम ही से करवा लेते हैं ये लोग। तो हम जिस गैस स्टेशन पे हैं अभी उसका नाम है निटानी एनर्जी, ये है उसका नाम, और ये गैस फिल हो रहा है। ये थी गैस की प्राइसेस। सो वी आर डन। सो गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। वहां पर फॉग भी है, थोड़ा सा सन भी आ रहा है वैली के ऊपर, और ये ब्यूटीफुल रूट। It's just so beautiful. I just love it.
बहुत ही सुंदर नज़ारा है। The greenery, it's so nice. तो ये एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पर ये ट्रक की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था तो हमें थोड़ी देर वहाँ पर रुकना पड़ा। तो ये देखिए कितना सुंदर छोटा सा टाउन है, ये ब्यूटीफुल हाउसेस, मतलब ओल्ड स्टाइल के हाउसेस हैं लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। ये देखिए आपके लेफ्ट में कैसल जैसे हाउसेस बिल्ड किए गए हैं, काफ़ी सुंदर है। तो गाइस ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, यहाँ पर पूरी सिटी है नीचे, इन द मिडल ऑफ द वैलीज पूरी सिटी है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाईवे के बिल्कुल ही सामने बहुत सारे वैलीज हैं, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। तो ये जो स्टेट है ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया और अभी हम पेंसिल्वेनिया में ही हैं। तो जब भी हम पेंसिल्वेनिया क्रॉस करेंगे उसके बाद एक और स्टेट आएगा और वो वर्जीनिया होगा। तो वर्जीनिया के जो भी व्यूज़ हैं वो भी बहुत ही सुंदर होते हैं, उसका भी जो रूट है वो बहुत ही सीनिक है। तो ये देखिए अगर आप इस व्यू को देखेंगे तो आपको मतलब ऐसा ही लगेगा कि आप स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। और इस तरफ देखिए पूरा ऐसे वैली वैली है, बहुत सारे वैलीज हैं। तो अभी हम रुके हैं एक रेस्ट एरिया में। तो बेसिकली रेस्ट एरिया क्या होता है कि मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है वो एक रेस्ट एरिया है और उसके अंदर वॉशरूम्स होते हैं और वेंडर मशीन्स होते हैं। तो अगर आप यू नो कुछ भी बाय करना चाहते हैं जैसे कि वाटर, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स वगैरह, आप तो वेंडर मशीन से आप बाय कर सकते हैं। एंड यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक जस्ट टू रिलैक्स फ्रॉम दिस लॉन्ग ड्राइव। तो इसकी वजह से ऐसे रेस्ट एरिया आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स ऐसे बने हुए होते हैं ऑन एवरी हाईवेज। और ये जो रेस्ट एरियाज हैं वो मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है तो इसके लिए कोई पार्किंग कॉस्ट नहीं होता है, उसके अंदर आपके लिए फ्री पार्किंग होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इस तरह का वहाँ पे पार्किंग होता है जहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर व्यू भी है, तो इस तरह से पिकनिक एरिया भी बनाया जाता है जहाँ पे ऐसी बेंचेस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं और थोड़ी देर आप रेस्ट करना चाहते हैं या तो फिर लंच वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और साथ साथ में ये ब्यूटीफुल व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। हे गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी रोड ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और अभी बस थोड़ी देर में हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचने ही वाले हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मेरे इस वीडियो में मैं आपको मेरे पति से मिलवाऊंगी। बेसिकली ही इज़ अ वेरी शाई पर्सन, वो कभी मेरे वीडियोज में इतना आते नहीं है लेकिन अभी मैंने उनको यू नो हमारी जो ड्राइव के दौरान मैंने उनको कन्विंस कर लिया है कि आपको भी मेरे वीडियोस में आना चाहिए, यू नो आपको भी मेरे व्यूअर्स से बातें करनी चाहिए। तो ही गॉट कन्विंस्ड बाय इट। तो अभी हमारी जो ये रोड ट्रिप की जो यू नो इन्फॉर्मेशन है, हमारी डेस्टिनेशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं मेरे हस्बैंड से, इनका नाम है मोंटू। हाय मोंटू। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। सो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाना नहीं चाह रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा है। तो हम जा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। वैसे तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है लेकिन हमारे पास ओनली 48 आवर्स है। तो हम जो वहाँ के जो मेजर अट्रैक्शन है जैसे कि व्हाइट हाउस है, म्यूजियम है, एक वहाँ पे एक जू है, वहाँ पे हम जाने ही वाले हैं और देखते हैं हम क्या और कवर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। बस आपका प्यार बनाए रखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे।